हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 8.10% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 42.05 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पर बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे कैंडल जो है फ्राइडे की वो जरूर जो है एक जो है मीडियम साइज की कैंडल बनी है और दोनों साइड में हमें विक जो है देखने मिल रही है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे RSI की, RSI जरूर यहाँ पे 38-39 के आसपास आ चुका है, जरूर हमें एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखे RSI हो या फिर कोई इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर से सिर्फ से भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमारे लिए फिलहाल जो जरूर यहाँ पे पॉजिटिव में जाते हुए देखने मिलने वाला है। लेकिन स्टॉक में ट्रेंड जो है अभी भी नेगेटिव है, मतलब स्टॉक अगर अपसाइड मूवमेंट गया तो वो सारा का सारा जो है अपसाइड मूवमेंट टेम्पररी होगा। ये चीज याद रखिए, स्टॉक वापस से आपको फिर बाद में गिरते हुए जो देखने मिलने वाला है। करंटली अगर मैं बात करूँ स्टॉक यहाँ पे कहाँ तक अपसाइड जा सकता है, तो स्टॉक जो है हमें 44.50 के आसपास जो हमें स्टॉक अपसाइड मोमेंट देते हुए देखने मिल सकता है। 20 EMA अभी भी 50 EMA के नीचे जो चल रहा है जो एक स्टॉक के ट्रेंड को जो है नेगेटिव करता है। इसके वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जो आप कॉशियसली स्टॉक में काम करें। बाकी यहाँ पे 44.50 तक स्टॉक जो अपसाइड मोमेंट दे सकता है, फिर वहां से वापस हमें गिरते हुए जो देखने मिल सकता है। इजिली 38-36 के आसपास भी जो हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे जरूर जो आपको मार्क करके बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस, अपसाइड में रेजिस्टेंस जोन कुछ जो है हमारे मार्क थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे मार्क नहीं थे, तो उसको मैं जरूर यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप जो है सेम टू सेम जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ अपने चार्ट में जरूर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो जरूर जो है मैं रेकमेंड करूंगा आप जो है ये मार्किंग जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप अपने चार्ट में भी कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो है वीडियो नहीं देखा तो मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो है वीडियो देख ले। वहां पे हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया किस तरह से यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है यहाँ पे आपको देखना है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से आप किस तरह से अपना एक डिसीजन बना सकते हैं, चाहे वो बुलिश का हो या फिर बेयरिश का। तो जरूर जो आप उस वीडियो को देख ले, हमने प्लेलिस्ट जो बनाई है डिफरेंट पार्ट्स में बनाई है, टोटल हमने 14 पार्ट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं, जरूर आप उसको देख ले। बाकी यहाँ पे मेरी मार्किंग जो है सारी हो चुकी है, बात करते हैं यहाँ पे इसके क्लोजिंग की। जो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 42.05 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 41.55 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 42.85 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता है। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले
तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो यहाँ पे मैंने आई बटन में एक कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले ताकि यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए किससे हम जो है यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे कह रहे देखने के लिए किस तरह का वो कंफर्मेशन कैंडल जो है देखने में मिलता है, और साथ ही साथ हमने चाहे इंट्राडे में हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है। तो जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 40.80 का, उसके बाद का आता है 40.10 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 44.10 का, उसके बाद का आता है 45.15 का। तो यहाँ पे जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो है बताए हैं उसी को आप कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे आप अपना मंडे के दिन जो है ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो जरूर यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव का बन रहा है, मतलब स्टॉक जो हमें थोड़ा सा नीचे गिरते हुए देखने मिल सकता है, ज्यादा नहीं, शुरू में ओपनिंग में जरूर जो है पॉजिटिव रह सकता है और लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो सेलिंग भी जो देखने मिल सकती है और हाई चांस है 40.80 से लेके 41.55 के बीच में हमें जो है स्टॉक में क्लोजिंग जो है देखने मिल जाए मंडे के दिन। बाकी हमारा ओपिनियन स्टॉक में नेगेटिव का है, आपका क्या ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।